गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे इज योर सेकेंड डे ऑफ इंग्लिश क्लास. आज आपकी इंग्लिश क्लास का सेकेंड डे है. सो लिसन टू बी वेरी वेरी केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो कल किया था, क्या किया था? लेसन नंबर टू, सैंडी लर्न्स अ लेसन. हमने ये लेसन रीड किया था और इस लेसन में हमने अब तक क्या रीड किया था? सैंडी एक बच्चा है जिसको क्या है, वो अपनी पॉकेट मनी से कभी खुश नहीं होता. जितने भी मतलब उसको पॉकेट मनी मिलती है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता. वो अपने फादर को क्या बोलता है कि इतने पॉकेट मनी तो 15 और 17 डेज में खत्म हो जाती है. उसको मिलते हैं कितने, 50 रुपीज मिलते हैं पर मंथ. और ये पॉकेट मनी उसकी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि उसको वो बोलता है कि बर्गर भी 10 रुपीज का आता है, कोक भी 10 रुपीज की आती है. तो ऐसे कर करके उसकी पॉकेट मनी बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है. तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि तुम्हें रोज बाहर से खाने की क्या जरूरत है, तुम्हें रोज कैंटीन से खाने की क्या नीड है, तुम जो तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए न्यूट्रिशियस फूड पैक करके देती है तुम वो क्यों नहीं खाते हो. ठीक है, तो वो क्या है, वहां से अपने पापा से आर्ग्यूमेंट करके वहां से अपने रूम से बाहर निकल जाता है. अब तक हमने यही पढ़ा था. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेसन. सैंडीज फादर वॉज सरप्राइज्ड एट हिज सन्स बिहेवियर. सैंडी के फादर जो है अपने बेटे का ये बिहेवियर देख के बहुत हैरान हो जाते हैं. ही टर्न्ड टू हिज वाइफ एंड सैड. वो अपने वाइफ की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं, सुधा डिड आई से समथिंग रॉन्ग टू सैंडी, क्या मैंने सैंडी को कुछ गलत बोला? वाई डिड ही बिहेव लाइक दैट, उसने ऐसा बिहेव क्यों किया? सी हिज पॉकेट मनी इज इनफ, देखो उसकी पॉकेट मनी जितनी भी है बहुत है, काफी है. इट इज जस्ट दैट ही इज बीइंग केयरलेस एंड एक्स्ट्रावेगेंट. वो क्या है, वो उसको बोलते हैं कि अपनी वाइफ को बोलते हैं कि वो बहुत केयरलेस हो गया है और बहुत ज्यादा खर्चीला हो गया है. ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, उसे मनी की वैल्यू के बारे में समझाना पड़ेगा या उसको मनी की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए. रिप्लाइड हिज वाइफ, और उसके सैंडी की मदर रिप्लाई करती हैं कि सैंडी को मनी की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, उसको समझना चाहिए. सो सैंडीज मदर एंड फादर मेड अ प्लान फॉर हिम. तो सैंडी के मदर और फादर एक प्लान बनाते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्लान सैंडी वॉज सपोज टू वर्क फॉर द एक्स्ट्रा मनी ही डिमांडेड एवरी मंथ. और वो एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर सैंडी 50 रुपीज से एक्स्ट्रा मनी डिमांड करता है तो उसके लिए उसको वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क लाइक उसको कमाने पड़ेंगे वो पैसे. सुधा एक्सप्लेन्ड यू विल हैव टू हेल्प आउट इन डेली चोर्स इन ऑर्डर टू गेन पॉइंट्स एंड फॉर एवरी 10 पॉइंट्स यू विल गेट रुपीज 50 बिसाइड योर पॉकेट मनी. तो सुधा है जो, वो फिर सैंडी को समझाती है कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए तुम्हें अगर और पैसे चाहिए तो तुम्हें घर के कामों में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, अपने फादर की हेल्प करनी पड़ेगी और तुम्हें उसके पॉइंट्स मिलेंगे. और जैसे ही तुम्हारे 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हर 10 पॉइंट्स के तुम्हें 50 रुपीज मिलेंगे. ठीक है, एंड यू कैन डू एनीथिंग विद योर अर्निंग, और उस अर्निंग से तुम कुछ भी कर सकते हो. उस पैसे कमा, जो पैसे तुम कमाओगे उससे तुम कुछ भी कर सकते हो. एक्साइटेड विद द आइडिया सैंडी क्विकली एक्सक्लेम्ड दिस साउंड्स गुड. वो सैंडी जो है ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मैं ये करूंगा. आई डोंट माइंड मॉम टेल मी मोर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये करने में. टेल मी मोर, मुझे और बताओ. ऑन वीकेंड यू वॉश द कार बोथ इनसाइड एंड आउट एंड गेट 10 पॉइंट्स विच मीन्स रुपीज 50 स्ट्रेट अवे सैड हिज फादर. तो उसके फादर उसको बोलते हैं कि हर वीकेंड पे तुम्हें मेरी कार को वॉश करना पड़ेगा बाहर से भी और अंदर से भी, और उसके तुम्हें 10 पॉइंट्स मिलेंगे जिसका मतलब है तुम्हें रुपीज 50 मिलेंगे हर वीकेंड. सैंडी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग. सैंडी कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है, अ सॉफ्ट ड्रिंक, अ बर्गर एंड फ्रेंच फ्राइज. तो वो कैलकुलेट करना, उसको खाने की चीजें चाहिए थी क्योंकि उसकी पॉकेट मनी से, तो वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करता है कि 50 रुपीज में क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा. वो क्या सोचता है, सैंडविचेस आ जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक आ जाएगा, फ्रेंच फ्राइज आ जाएगा. आई डोंट माइंड एट ऑल, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है. फॉर वॉटरिंग द प्लांट्स और हेल्पिंग आउट एट होम यू विल गेट 2 पॉइंट्स ईच. और घर पर पौधों को पानी
पानी देने के लिए और घर के बाकी काम करने के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे ईच, मतलब कि हर एक काम के लिए तुम्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एंड वंस यू रीच द टोटल ऑफ 10 पॉइंट्स यू विल गेट ₹50 अगेन। और अगर तुम फिर से 10 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हें ₹50 फिर से मिलेंगे। इन शॉर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ यू विल हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ। इन शॉर्ट मतलब कि बाकी ये समझने वाली बात है कि तुम्हें अपनी पॉकेट मनी मतलब ₹50 के एक्स्ट्रा जो मनी चाहिए वो तुम्हें अर्न करना पड़ेगा, तुम्हें कमाना पड़ेगा उसे। डू यू थिंक यू कैन डू इट, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? Asked his mother, उसकी मदर उससे पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? ग्रेट आइडिया मो, बहुत अच्छा आइडिया है, वो अपनी मम्मा को बोलता है कि बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। When do we set the bell rolling? तो हम ये काम कब से स्टार्ट कर रहे हैं? You can start working from tomorrow. तुम ये काम कल से ही शुरू कर सकते हो। Since it's Sunday, जैसे कि आज संडे है, said Sandy's father. तो उसके फादर बोलते हैं कि आज तो चलो संडे है तो हम कल से ये काम स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो यहां तक हाँ हम आज रीड करेंगे सैंडीज फादर से लेकर सैंडीज फादर तक ही। सैंडीज फादर से लेकर स्टार्ट है और सैंडीज फादर पे ही खत्म है। सो हम लोग यहाँ तक रीड करेंगे। तो आपने जैसे फर्स्ट डे में किया था, आपने अपने FNB पे इस स्टोरी को लिखा था, वैसे ही आज आप सेकंड डे में भी यही करोगे, FNB पे इसको राइट करोगे और उसके बाद अपनी फाइल पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं वो भी आपको अपने FNB में राइट करना है लेसन नंबर 2 हेडिंग डाल के, जैसे कि आप करते हो लेसन नंबर 2 लेसन का नेम, फिर डिफिकल्ट वर्ड्स, फिर वर्ड्स लिखने। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।